देखिए गुमला में 11 ब्लॉक हैं, हम लोग का CSC 11 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ रहते हैं। इसके अलावा जसपुर, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया से भी लोग आते हैं दिखाने के लिए। सभी तरह के OPD चलते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, आई, महिला OPD चलते हैं। चिकित्सक लोग भी अभी हैं और जहाँ तक सीजन सेक्शन है वहाँ 25 से 30 सीजन सेक्शन हर माह हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत लाभकारी चीज़ है जो बाहर नहीं जाना पड़ता लोगों को। यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जो जांच होता है उसकी सारी सुविधा उपलब्ध है। ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। नॉर्मल प्रसव जो होता है, सामान्य प्रसव, सिजेरियन, ये सब की सुविधा उपलब्ध है। बंध्याकरण की सुविधा उपलब्ध है और लेबर रूम में भी 24 घंटे महिला चिकित्सक उपलब्ध है। गर्भवती महिला को सरकार की ओर से JSSK के अंतर्गत सुविधा दी जाती है। उसका पूरा जांच, इलाज, चाहे पैथोलॉजिकल जाँच हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, सब फ्री होता है। गर्भवती महिला जब यहाँ भर्ती भी होती है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये के दर से खाने का इंतजाम है। जो डिलीवरी होता है JSY कार्यक्रम के, उसमें लाभार्थी को पैसा भी दिया जाता है। और बच्चों के लिए 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क दवा दी जाती है और चिकित्सा भी दी जाती है। क्या आपका ये पहला डिलीवरी है? यस, पहला डिलीवरी। यहाँ आपको क्या सुविधाएं मिली? खाने पीने की सुविधा मिली, रहने का सुविधा मिली और नर्सिस का भी सुविधा मिली। यहाँ का बात करने का व्यवहार अच्छा लगा सिस्टर सब, डॉक्टर का भी। क्या क्या जांच हुआ आपका यहाँ? खून टेस्ट, पेशाब जांच, सब हुआ। दवा का सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हुआ कि आप लोग को बाहर से खरीदना पड़ा? आधा हॉस्पिटल से मिला था, आधा हॉस्पिटल में सुविधा नहीं था तो बाहर से खरीदे। कितना खर्चा लगा आपको यहाँ? खर्चा एक भी नहीं हुआ तो मेरा। बाहर से जो दवा लिए हो? ज़्यादा नहीं, 300-400 रुपये लगा। छोटा बच्चा लोग जो बीमार एकदम होते हैं, नवजात बच्चा लोग, उन लोग का सरकार के लिए स्पेशल केयर यहाँ पर। नॉर्मली हम लोग 28 दिन तक के बच्चे को के लिए ये एसएससी बना हुआ है। नॉर्मल वेट 2.5 kg रहता है तो 2.5 kg से जितना कम रहता है उनको रखते हैं। जिनका सांस लेने में दिक्कत होता है या फिर जो उल्टे पैदा हुए हैं और जो समय से पहले होते हैं उनको भी रखते हैं अंदर में। जोल्डिस घट जाता है जिनका, शिकायत देते हैं उनको या ब्लू लाइट से। 28 दिन से ज़्यादा 1 महीने का हो जाने के बाद उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट छुट्टी नहीं मिलती यहाँ से, बाहर एक हम लोग का स्टेप डाउन कहलाता है। वहाँ पर स्टेप डाउन में 1-2 दिन देख लेते हैं, कोर्स पूरा हो जाता है, कार्ड से जितना भी उनका होना चाहिए टीकाकरण वो सब करवा करके ही हम लोग भेजते हैं वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। ये बच्चा ही है, ये को ये लड़की का तो पूरा एकदम चमड़ी उचड़ गया था, क्वासिकोर मतलब फुला हुआ। ये इसका शुगर लो था, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, तो इसको हम लोग शुगर का अथी करके चीनी को देते देते ठीक हो गया। हाँ, ये बच्चा जब इम्प्रूव होने लगा तब तो एकदम इतना भूख से अपनी माँ परेशान हो जाती थी। क्यों आए हैं आप यहाँ? कमज़ोर बच्चा है, इसका खून का कमी था, इसी के कारण इसका बुखार भी नहीं हो रहा था। बच्चा को क्या सुविधा दिया जा रहा है अभी? खाने के लिए दिया जाता है दूध, बादाम और खिचड़ी। पैसा नहीं लगता है, फ्री में किया जाता है। हम लोग इसको यही सलाह देते हैं कि घर में पहले जो गैपिंग था उसके खाने का, वो गैपिंग ना हो ताकि बच्चा का ग्रोथ अच्छी तरह हो सके। डिस्चार्ज होने के बाद इनको हम लोग 4 बार फॉलोअप के लिए बुलाएंगे हर 15-15 दिन में। आपके यहाँ कितने उपस्थित बच्चा एडमिट हैं अभी? तो 6 हैं, इससे पहले तो अभी था 15 था। सबसे बड़ा मेन कारण यहाँ है बच्चा नहीं आने का। पहले सहिया और आंगनबाड़ी या स्वयंसेवी संस्था जो भी आते थे उनको पैसा मिलता था, और जब भी फॉलोअप आते थे माँ को भी पैसा मिलता था और जो लेके आता था सही उनको भी मिलता था।
तो वो बंद किया गया है। हम लोग को प्रेस डाला जा रहा है कि मतलब बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। जब हम लोग फोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन जब पेशेंट खुद आ रहा है अभी जिसको ज़रूरत है वो बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में है बच्चे। ये प्रोत्साहन राशि अगर सही लोग को दिया जाए तो ये हम लोग का जो कमी है जो कुपोषित बच्चा लाने का वो कमी काफ़ी हद तक दूर होगा। ऐसा है कि अभी पूरे झारखंड में कहिए या तो देश के और जगह में डॉक्टर की बहुत कमी है। किसी तरह काम निकालना चाहिए, निकालना पड़ता है, थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग फील्ड से ला के उसको पूरा करते हैं। तो हम लोग आपस में सामंजस्य बना के चलते हैं, अस्पताल का काम सुचारू रूप से चले, मरीज को कोई व्यवधान ना हो ऐसा चाहते हैं। इसी के मद्देनज़र हम लोग को जिला अस्पताल को कायाकल्प का पुरस्कार मिला है, 50 लाख की राशि मिली है।